गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी सी द चैप्टर थ्री जी वाई ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन सो एज वी ऑलरेडी नो द पेरेंट्स एक्ट एज मैनेजर्स ऑफ द होम अफेयर्स एंड दे डू ऑल द वर्क ऑफ होम वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशियटली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घर के मैनेजर्स होते हैं और घर के सारे काम वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में करते हैं सो इन द सेम वे अ कंप्यूटर दैट डज मैनी पार्ट्स एंड डज मैनी टास्क एट अ टाइम आ रिक्वायर्स अ मैनेजर एंड कंप्यूटर्स मैनेजर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जो बहुत सारे काम कर सकता है उसके लिए भी मैनेजर की ज़रूरत होती और है और कंप्यूटर का मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर That helps you to operate the computer with its various functions. And operating system works as a middleman between user and computer hardware. Operating system हमारे और कंप्यूटर के बीच में मिडलमैन की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर जो है एक मशीन है और उसे हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और हमको भी कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आती सो ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स आर लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज एंड अगेन इट कन्वर्ट्स कंप्यूटर लैंग्वेज इंटू आर लैंग्वेज सो वी कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन अ कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटरफेस मीन्स द वे इन विच वी आर डीलिंग और वर्किंग विद द कंप्यूटर कंप्यूटर पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं वो इंटरफेस कहलाता है। सो द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और जी ओ आई इज़ अ टाइप ऑफ़ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज़ यूज़र टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकनस एंड विजुअल इंडिकेटर्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम वहाँ पे ग्राफिक्स चीज़ों को यूज़ करके अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं ग्राफिक्स चीज़ें यानी जैसे बटन्स हैं मेन्यूज हैं हैं, विंडोज़ यानी स्क्रीनस हैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपना काम कंप्यूटर पे करते हैं मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट जीयूआई। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई को सपोर्ट करते हैं बट एम एस डॉस डज़ नॉट सपोर्ट द जियो इससे पहले जो एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था विंडोज़ से पहले वो जी को सपोर्ट नहीं करता था और उसमें जो भी हमें काम करना पड़ता था वो कमांड दे करके करना पड़ता था मतलब जो भी हमें काम करना जैसे हमें अगर फाइल बनानी है तो उससे ले रिलेटेड हमें कमांड्स लिखने पड़ते थे और फाइल उसके हिसाब से बनती थी सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी कमांड एंड टाइप दोज कमांड इन अ कंप्यूटर so gui is a very efficient way to work with the computer in very easy manner and many operating sub, uh, system supports gui feature like ms windows mac os apple system 7 and chrome operating system